यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज गोरखपुर में छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने छात्राओं को बताया कि आगे चलकर करियर के साथ साथ आपका परिवार होगा, जिसमें आपको एक होम मेकर की भूमिका निभानी है और होम मेकर के रूप में आपके परिवार की खुशियाँ बनी रहे, इसलिए उनके स्वास्थ्य के लिए, भोजन के साथ साथ उनकी सेफ्टी के लिए आपको परिवार से अंकुश लगाना होगा। घर से बाइक निकालते ही अपने भाई बहनों व मम्मी पापा सभी के साथ जिद करके उनके हेलमेट को सही तरीके से जरूर बांधें और जब भी कार निकालें तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई नशे की हालत में वाहन चलाता है तो उसे वाहन ना चलाने दें, जिससे दुर्घटना ना हो। यदि कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई देता है तो तत्काल ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 8081208567 पर उसकी फोटो व्हाट्सएप कर दें। उन्होंने कहा कि मैपल ऐप एक स्वदेशी ऐप है जिसे मेक माय इंडिया के तहत बनाया गया है। यह ऐप नेविगेशन के लिए एक सुपीरियर ऐप है जिसके माध्यम से हमें लोकल ट्रैफिक संबंधित जानकारी मिल पाएगी और इस ऐप के द्वारा आपको किस एरिया में पार्किंग स्थल कहां पर है इसकी जानकारी मिल जाएगी और VIP प्रोग्राम, जुलूस होने पर रूट डाइवर्जन की जानकारी भी आपको मिल जाएगी तथा सरकारी सेवाओं, बाढ़, ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की सूचना भी आपको इस मैपल ऐप के माध्यम से मिलेगी। इस अवसर पर ट्रैफिक CO जयप्रकाश सिंह, महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कृष्णा चटर्जी, यातायात निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, यातायात उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार पाल मौजूद रहे। हमारे साथी आपसे बड़ी उम्मीद लेके गए हैं कि आप लोग इसको जा करके अपने परिवार में सबको बताएंगे। कोई चीज नुकसान हो गया लगता है कि इसका विकल्प है, किसी ने अपने भाई को खोया होगा, पिता को खोया होगा, माता को खोया, कहां चले गए, उनका कोई भी सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सब लोग साल में 12 माह होता है, ये तो माह जागरूकता अभियान किया जा रहा है। इतनी बड़ी बीमारी, ये बीमारी ही है जो सड़क दुर्घटना हो रही है, ये मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी मतलब हमारी जल्दबाजी, हमारी तेज गति से चलाना, हमारी लापरवाही। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो जितने बच्चे यहाँ क्लास में हैं सब तो काम करेंगे, कोई अंडर 10 होगा, कुछ अंडर 20 होंगे, कोई टॉप पे होगा, कोई बॉटम पे होगा, होगा कि नहीं होगा। और सबकी क्या कोशिश है, सबकी कोशिश है कि हम टॉप करें, लेकिन अंडर 10 अंडर 20 जो है वो आस पास रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन टॉप और बॉटम में कितना अंतर होता है, बहुत अंतर। इसका कारण क्या है, कारण है कि जिस चीज को हम पढ़ते हैं, जिस चीज को हम याद करते हैं, हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर और वो जिसको हम देख रहे हैं किताब के अक्षर, बाटम वाला है, अगर उसके अंदर जिद है, इच्छा शक्ति है, लालसा है, तो वो ताप को भी पीछे ध्यान है और वो बड़ा समकालीन होता, बहुत वो हमेशा के लिए एक संदेश होता है, एक ज्ञानवर्धक चीज होती है, इसलिए कि उसका अमल करें। कितना बड़ा पुण्य का कार्य है, कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। इनसे चीज करके सीट बेल्ट लगवाइए, स्वयं लगवाइए और जो गार्जियन करे, पापा गार्जियन करे, तो कहना आपका और आपकी गाड़ी का फोटो खींच के मैं पूरे जंगल को भेज रही हूँ। बादशाह छत्रपाल कुमार को ना है ना, गाड़ी को है, गाड़ी को नहीं है तो हाँ, तो फोटो खींच के हमारा जनता नंबर वाली लिखा हुआ है 80-81-85-67, इस पर फोटो भेज दीजिए, हम चेतावनी देंगे, आप फोटो भेजोगे तो पहले कार्रवाई नहीं करेंगे। हेलमेट तो बांधना जरूरी है, मैं हमेशा सड़क पर देखता हूँ, अभी मैं छात्र संघ चौराहे से और कलेक्ट्रेट चौराहे से होकर आ रहा हूँ, लोग हेलमेट सर पे रख के घूम रहे हैं,
उसको लगता है इससे चालान नहीं होगा, चालान से नहीं बचना है। हेलमेट आपकी रक्षा के लिए है, रक्षा तभी करेगा जब आप उसको ठीक से बांधेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, घर का प्रवेश वर्ष और आप ट्रेन में हेलमेट को अच्छे से बांधने के बाद ही टू व्हीलर को हाथ लगाएं। कोई रास्ता बंद है, जेब बाईपास रोड पे सड़क बन रही है, हमने अभी असुरम से लेके और पादरी का रास्ता बंद किया हुआ है, तो ये जानकारी आपको मेहता लैब से मिल जाएगी। आपको जो आप नेविगेशन के लिए गूगल मैप यूज करते हैं उस पर ये जानकारी नहीं मिलेगी। आपको गोरखपुर के पार्किंग प्लेस की जानकारी मिल जाएगी। गोरखपुर में बिहार क्षेत्र में आपको खंडी जाना है, आगे सिकरीगंज जाना है, कहाँ बाढ़ आई हुई है वही पता होगा, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो नेविगेशन के लिए ये डेटा ऑप्शन है और उत्तर प्रदेश पुलिस इसके साथ साथ काम करती है, सभी जानकारियां हम अपडेट करते रहते हैं, इसलिए नेविगेशन के लिए इसका यूज करिए।